हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम हर दिन कुछ महत्वपूर्ण सोर्सेज जैसे द हिंदू, मेंट, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा टीवी इत्यादि से आईएएस या पीसीएस में पूछे जा सकने वाले करेंट अफेयर के टॉपिक लेकर आते हैं, आपके साथ डिस्कशन करते हैं। ये जून महीने का हमारा अगला डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वन्यजीव व्यापार से संबंधित है। चार संस्थानों के नाम दिए गए हैं, आपको किसी एक संस्थान का नाम चुनना है। आपके दिए गए ऑप्शन में UNEP, FATF, साइट्स और WWF है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 2 के रिपोर्ट रैंकिंग या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वन्य जीव व्यापार से संबंधित संस्थान का, तो FATF यानी कि वित्त कार्रवाई कार्यबल इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें कि ये अभी न्यूज़ में क्यों आया है, तो FATF के द्वारा पहली बार अवैध वन्य जीव व्यापार से संबंधित आंकड़ों को जारी किया गया है। इसमें अवैध वन्य जीव व्यापार को वैश्विक खतरे के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसा बताया गया है कि संगठित अपराधों जैसे कि आधुनिक दास्ता, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों का अवैध व्यापार, ये सारे अवैध वन्य जीव व्यापार से जुड़े हुए हैं। यदि अवैध वन्य जीव व्यापार को रोका जाए तो इससे इसके साथ जुड़े हुए जो भी आपराधिक गतिविधियां हैं उनको रोका जा सकता है। इनके द्वारा बताया गया है कि प्रतिवर्ष अवैध व्यापार की वजह से लगभग $23 बिलियन राजस्व उत्पन्न होता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि FATF क्या है या फिर ये किसके द्वारा बनाया गया है, कब बनाया गया है, किस क्षेत्र के लिए कार्य करता है। तो आप याद रखेंगे G7 के द्वारा 1989 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में इसे निर्मित किया गया था। सबसे पहले 1990 में ये कार्य करना शुरू करता है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना, आतंकवादी वित्त पोषण इत्यादि क्षेत्रों में कानून बनाना, नियम बनाना और पूरे विश्व को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों से रोकने की कोशिश के क्षेत्र में ये कार्य करता है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के लिस्ट मेंटेन करता है, एक ग्रे लिस्ट और दूसरा ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में यदि किसी देश को डाला जाता है, इसका मतलब ये है कि संबंधित देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। यदि उस देश को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे कि IMF, विश्व बैंक इत्यादि उस देश को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देंगे। इसमें अभी कुल 39 सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य 2010 में बना था, पाकिस्तान इसमें सदस्य नहीं है, चीन इसका सदस्य है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि क्या ये संस्थान केवल और केवल इसके सदस्य देशों पर कार्रवाई करता है, जी नहीं, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान वर्तमान में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है रेलवे मंत्रालय इस अभियान के लिए नोडल मंत्रालय है। दूसरा कथन कहता है यह योजना COVID-19 प्रेरित तालाबंदी या फिर लॉकडाउन के कारण अपने प्रवासी राज्यों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करेगी। आपको इन दोनों कथनों में से गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 2 के सरकारी योजना कार्यक्रम, कल्याणकारी योजना या फिर बेरोजगारी से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें गरीब कल्याण रोजगार योजना का,
तो इसे लागू कराने वाला मंत्रालय जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ना कि रेलवे मंत्रालय। पहला कथन गलत हो जाता है। हालांकि अभी रेलवे मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में लगभग 8 लाख मानव दिवस रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, मतलब 8 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का विश्वास रेलवे मंत्रालय के द्वारा इस योजना के अंतर्गत दिया गया है। यदि हम बात करें दूसरे कथन का, तो इसमें लिखा गया है कि जो भी लोग प्रवासी मजदूर थे वे अपने राज्य को, अपने घर को, अपने गांव को वापस लौट कर आए हैं, उन लोगों के कौशल का उपयोग करते हुए उनको उनके ही गांव में, उनके गांव के आसपास के क्षेत्रों में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 50,000 करोड़ रुपये के राशि के साथ इस योजना को शुरू किया गया था। यानी कि दूसरा कथन जो है वो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। एक अन्य बात जिसे आपको याद रखना है कि आने वाले 125 दिनों में मिशन मोड कार्यक्रम के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपया जो इसके लिए आवंटित किया गया है उसको खर्च करने का इसके का लक्ष्य रखा गया है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य बातों को यदि हम ध्यान दें फ्रेंड्स, तो रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाएगा, इसके माध्यम से जितने भी श्रमिक थे जो प्रवासी मजदूर के रूप में शहरों में काम कर रहे थे, उन लोगों को उनके ही गांव में सड़क निर्माण, आवास निर्माण, आंगनवाड़ी निर्माण, पंचायत भवन का निर्माण या फिर दूसरे कोई ऐसे सामुदायिक परिसरों के निर्माण इत्यादि का उपयोग करते हुए रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी, ताकि इसके माध्यम से भारत की अवसंरचना का निर्माण हो सके और साथ ही साथ उन लोगों को आजीविका के लिए रोजगार भी उपलब्ध हो सके, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें इस मंत्रालय को लागू करने वाले नोडल मंत्रालय की, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इस अभियान को लागू कर रहा है। रेलवे मंत्रालय के द्वारा हाल फिलहाल में ये घोषणा की गई थी कि 8 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, कब तक, अक्टूबर 2020 तक। तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दूसरा कथन कहता है मिशन वित्त वर्ष 2017 से 22 पाँच वर्षों की अवधि के लिए 100 शहरों को शामिल करता है। अब आपको बताना है कि स्मार्ट सिटी के बारे में दिए गए दो कथनों में से कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 1, 2, 3 इन सारी पेपर से सरकारी योजनाएं, नीतियां, शहरीकरण, उससे जुड़े हुए मुद्दे या फिर आधारभूत संरचना से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें फ्रेंड्स स्मार्ट सिटी के बारे में दिए गए पहले कथन का, तो ये गलत है, क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन केंद्रीय क्षेत्रीय योजना नहीं है, ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है। केंद्रीय क्षेत्रीय योजना का कहने का ये मतलब है कि उसमें 100% पैसा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन यदि कोई योजना केंद्र प्रायोजित होती है तो उस पर पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर लगाते हैं, चाहे वो 60-40 के अनुपात में लगाए जाएं या फिर 75-25 के अनुपात में लगाए जाएं। ये जो स्मार्ट सिटी योजना है वो केंद्र प्रायोजित योजना है और ये अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग सीमा के साथ पैसा आवंटित किया जाता है। यदि हम बात करें दूसरे कथन का, तो ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि इसे 2015-16 में शुरू किया गया था और 2020 में इसका हाल फिलहाल में 5 वर्ष मनाया गया है, इसलिए ही ये न्यूज़ में है। तो दूसरा कथन भी गलत है। हालांकि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 100 शहरों को विकसित करने की बात कही गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। यदि हम बात करें कि ये अभी न्यूज़ में क्यों आया था, तो फ्रेंड्स स्मार्ट सिटी मिशन का अभी 5वां वर्षगांठ मनाया गया। इसे मनाते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने दो प्रकार के पहल की शुरुआत की। जो पहली पहल थी वो शहरों में साइकिल चलाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, इसके लिए साइकिल फॉर चेंज चैलेंज शुरू किया गया। जो दूसरा था वो
शहरी स्थानीय निकायों के लिए वित्त पोर्टल का निर्माण किए जाने की बात कही गई है। तो इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि साइकिल फॉर चेंज पहल किससे जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे स्मार्ट सिटी मिशन से। स्मार्ट सिटी मिशन को किस मंत्रालय के अंतर्गत लागू किया जा रहा है, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत लागू किया जा रहा है। यदि हम बात करें स्मार्ट सिटी मिशन का, तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय इसे लागू कराने का कार्य कर रहा है। 2015-16 में इसे शुरू किया गया था 5 वर्षों की अवधि के लिए, और 5 वर्षों की अवधि में 100 शहरों को विकसित कंडीशन में लेकर आने का वादा किया गया था। इसके जो मुख्य लक्ष्य थे वो ये थे कि जो भी स्थानीय लोग हैं जो किसी शहर में रहते हैं, उनको अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जाए, उनके लिए स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण का निर्माण किया जाए, ताकि उनके परिवहन, प्रदूषण इत्यादि के क्षेत्रों में वे बेहतर कर पाएं। आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शहरों को स्मार्ट बनाने की दिशा में इस कार्यक्रम को लागू किया गया था। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। आपको यहाँ पर 4 संस्थान दिए गए हैं, आपको बताना है कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपके दिए गए ऑप्शन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को, विश्व आर्थिक मंच और विश्व बैंक है। फ्रेंड्स आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 2 के रिपोर्ट रैंकिंग या फिर शिक्षा से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट का, तो इसे यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यदि हम बात करें कि ये अभी न्यूज़ में क्यों आया है, तो यूनेस्को के द्वारा इस रिपोर्ट में इस बात को नोटिफाई किया गया है कि कोविड-19 की महामारी की वजह से पूरी दुनिया में शिक्षा प्रणाली में एक अजब का असमानता निर्मित हो गई है। इसमें लगभग 40% निम्न मध्य आय वाले देश हैं जो शिक्षा के मामले में बहिष्कार का सामना करने वाले हैं। लगभग 91% ऐसे छात्र थे जो अप्रैल 2020 तक स्कूलों तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। जो सबसे ज़्यादा समस्या का सामना कर रहे हैं वे विकलांग और अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि वे अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके वर्तमान में शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते। ये उन छात्रों के लिए भी खतरनाक साबित हुआ है जो स्कूलों में मुफ्त भोजन प्राप्त करते थे या फिर सैनिटरी नैपकिन इत्यादि प्राप्त करते थे। इन लोगों के लिए भी ये एक खतरे के रूप में आया है। फ्रेंड्स ये आपको मेंस में काम आएगा। यदि आपको ये पूछा जाता है कि कोविड-19 की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा है, तो आप इसे मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। कुछ मिसलिनियस टॉपिक है फ्रेंड्स जो आपसे पूछा जा सकता है। आपसे यदि पूछा जाए कि जस्टिस जी रोहिणी कमिटी या फिर कमीशन किससे जुड़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे कि ये ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन से जुड़ा हुआ है। न्यूज़ में क्यों आया था फ्रेंड्स, क्योंकि 2017 में जस्टिस जी रोहिणी कमीशन का गठन ओबीसी के अंतर्गत वर्गीकरण करने के लिए किया गया था। हाल फिलहाल में केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी अवधि को 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है। आपको यही याद रखना है कि जस्टिस जी रोहिणी कमीशन किससे जुड़ा हुआ है, ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह एक और मिसलिनियस टॉपिक है, वो ये है कि न्यू सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी जल्द ही आने वाली है। आपके लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यदि न्यूज़ में न्यू सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी से संबंधित कुछ भी लिखा जाता है, तो आप उसे निश्चित रूप से पढ़ें। इस पॉलिसी में इस चीज़ को नोटिफाई करने की बात की गई है कि एक रणनीतिक सैन्य तत्वों के साथ नेविगेशन पॉलिसी बनाई जाए, रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी और लगभग 2000 सेटकॉम पॉलिसी हैं जो पुराने पड़े हुए हैं, उनको संशोधित करके एक कानून बनाने का बात भी कहा गया है।
फ्रेंड्स ये आपके मेंस के लिए काम आएगा, तो जब भी अभी आप न्यूज़ में पढ़ें तो आप न्यूज़ में इसे निश्चित रूप से पढ़ें। अभी आप देखेंगे कि इससे संबंधित टॉपिक पर डिस्कशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। एक अन्य मिसलेनियस टॉपियस टॉपिक जो आपसे पूछा जा सकता है वो वंदे भारत मिशन है। आप जानते हैं वंदे भारत मिशन के माध्यम से भारत के ऐसे नागरिक जो दूसरे देशों में प्रवासी भारतीय के रूप में काम कर रहे थे, उन लोगों को कोविड 19 महामारी के दौर में वापस लाने के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसका चौथा दौर जुलाई महीने में शुरू होने वाला है। इसमें मुख्य रूप से खाड़ी देश सिंगापुर और मलेशिया, इन देशों से भारतीयों को वापस लाने का कार्य किया जाएगा, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये भी कोविड महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेशों से निकालने का कार्यक्रम था। इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि समुद्र के माध्यम से यानी कि जहाज़ों के माध्यम से भारतीयों को वापस लाने की कोशिश की गई थी। मालदीव से लगभग 198 भारतीयों को INS एरावत के माध्यम से वापस लाया गया। ऐसे ही INS जरसावा, INS मगधाड़ से भी मालदीव और श्रीलंका से लगभग 2874 नागरिकों को निकाला गया था। आपको इतना सारा बात जानने की आवश्यकता नहीं है, समुद्र सेतु क्या है आप सिर्फ और सिर्फ इसे ध्यान में रखेंगे, यदि पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।